फिर से इनका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चालू हो गया है। कंटेंट के अलावा कुछ नहीं मिला है। और भाई ये क्या चल रहा है आजकल? मम्मी के घर जाने की तैयारी। सो गाइस आज हम लोग पैकिंग कर रहे हैं और कल मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के घर, नक्शु जा रहे हैं अपनी नानी के घर। नक्शु की हो चुकी है छुट्टियाँ। नक्शु तेरे को समर वेकेशन में किसके घर जाना है? नानी ये नानी के घर। कौन आया हुआ आजकल? संवित। संवित कौन है? तारू भाई। सो गाइस नक्शु का एक छोटा सा भाई आया है, नक्शु के मामू का छोटा सा बेटा हुआ है, तो हम उससे मिलने के लिए जा रहे हैं समर वेकेशन मनाने। तो फाइनली पैकिंग हमने चालू कर दिया, मतलब इस मोमेंट का वेट मैं पूरे साल करती हूँ कि कब जून आए, कब मई आए और हम नानी के घर जाएं। अरे ये सारे डाल दो फटाफट इसमें। नक्शु ये डाल दे, फिर ये डाल के पूरा खाली हो गया, फिर मम्मा के साथ पैकिंग कराएंगे। तेरे को अपने कपड़े आपे आपे भरने। हाल मैं ही डाल देता हूँ यार, तू क्या डालेगा? पापा छोटे बच्चे बन जाते हैं ना। गाइज नक्श के लिए मैंने मंगाई थी ये लव लैब से चेयर टेबल, मतलब इसको नक्शु इतना यूज करता है कि इसके ऊपर ये लीटे देखो, ये देखो, मतलब ये पड़ी पड़ी करेगा तो भी इसके ऊपर करेगा, फिर मैं अगले दिन इसको क्लीन कर देती हूँ, मस्त हो जाती है। तो ये जो है ना चेयर टेबल 4-in-1 है, एक तो ये ऐसे स्टडी टेबल की तरह यूज कर लेता है, तो जो बहुत ही मस्त तरीके से स्टडी टेबल अटले जिसपे बैठ के पड़ी पड़ी करते हैं। तो जब संवित हमारे घर आएगा, नक्श का छोटा भाई, तो हम उसके लिए ये चेयर टेबल ऐसे कर देंगे, इसको फिट कर लेते हैं, लॉक सिस्टम है, बच्चा गिरता भी नहीं है, कोई टेंशन नहीं होती। आपने क्या संवित की सॉक्स ले लिया? ये तो डाइनिंग टेबल पे बिठाने वाली हो गई। नहीं, डाइनिंग टेबल पे बिठाने का अलग सिस्टम है कि आप ये चेयर ये पूरा लो है ना, इस चेयर को आप टेबल पे फिट कर दो तो वो फोर्थ यूज हो जाता है। हेलो मेरा नक्शु है ना संवू बन गया। संवित छोटू बच्चू चलो चलो बेल्ट लगाओ, गिर जाओगे। नक्शु हम संवित का खाना कैसे रखेंगे? इसके ऊपर रख देंगे। तो ये आपको फिट करना आता है? ये तो अब तो तू बड़ा बच्चा हो गया, संवित को इस पे खाना खाने देगा ना? तो संवित अगर तू वीडियो देख रहा है या जब बड़े होके वीडियो देखेगा तो हमने देख लिया तेरे चेयर टेबल रख रखी है नक्शु वाली। तो नक्शु तू वैसे तो गुड बॉय है, बट संवित को अपने टॉयज देगा? बड़ी मुश्किल से बच्चे हाँ बोलते हैं कि हाँ, शायद मैंने वीडियो से पहले इसको कहा था कि तू टॉयज देगा, कहियो हाँ, तो उसने हाँ बोल ही दिया। गुड बॉय। चू तेको पता है घर के बाहर ना थोड़ी सी दूर पे ना मेला लगा हुआ है, मेले में जाना है? हालो हालो तो कपड़े चेंज करें। तो गाइस हमारे राजकोट में ना अभी क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं सब बच्चों की, तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया मेले लगे हुए हैं। तो आज हम एक छोटे से मेले में नक्शु को लेके जाने वाले हैं, तो पहले हम खाना वाना खा लेते हैं उसके बाद चलेंगे। हाँ फरवा में भीख न लागे, कह रहे मैं घूमूंगा ना तो भीख न लागे। चलो चलो चले मेले में। भाई साहब इतनी एनर्जी भगवान मेरे अंदर दे दे तो वीडियो बंद, इट्स ओके। गाइस आज हमारी सवारी जा रही है राजकोट को, रंगीला राजकोट एक्सपीरियंस करने के लिए। हमारे राजकोट में लगे हैं बड़े सारे मेले, मतलब 5-6 जगह पे मेले लगे हैं क्योंकि बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, तो आज हम मेले में जा रहे हैं। नक्शु मजा आएगा ना? यस। गाइस फाइनली हम लोग बैठ चुके हैं इस वाले झूले में, इस झूले का नाम चेरोप्लेन। नक्शु मजा आ रहा है? यस। निशांत को अपनी चप्पल की टेंशन हो रही है, कह रहे इस झूले में चप्पल निकल जाती है, चप्पल मेरी हर बार निकल जाती है। चप्पल चली गई, कहाँ गई चप्पल? गाइस मेरी चप्पल गुम हो गई है, एक चप्पल तो यरी मैं बेकार में निशांत का मजाक उड़ा रही थी और मेरी चप्पल उतर गई। अब ये कचरे के ढेर में कहाँ से चप्पल गोतू मैं? गाइस सब लोग ढूंढ रहे चप्पल, मिल ही नहीं रही, पता नहीं कहाँ। आई रे मिल गई। ना इन्होंने 30 रुपए की टिकट लिया ना, इनको 3 झूले फ्री मिले, पहले ये अपने वाले झूले खाएंगे बाद में उसको देंगे, बहुत चंट है। हवे हमने पीजी टिकट ली, मौत ना कुआं की, यहाँ पे मौत का कुआं है भाई साहब, ये देखने में बहुत डरावना होता है। मेरे पीछे ये वही वाले भैया हैं जिन्होंने ड्रूम 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 करके इतनी तेज गाड़ी चलाई ना भाई साहब। भैया आपको डर नहीं लगा?
आप कितने सालों से कर रहे हो? 10 साल। भैया बोल रहे हैं कि मैं 10 साल से ये कर रहा हूँ। आपको एक बार भी डर नहीं लगता ऐसे करते? हाथ वाथ छोड़ के सब चला रहे ना भैया? हैट्स ऑफ यार, मतलब भैया इतने तगड़े तरीके से चला रहे थे ना उनको, हम लोग देखने वाले लोग ऐसे डर रहे थे, कांप रहे थे, बट भैया को बिल्कुल डर नहीं लगा यार। मेरे पैर अभी भी वाले डर रहे थे बस, मेरा हाथ और पैर अभी भी ऐसे वाइब्रेट कर रहे, इतना डर लग रही थी मुझे। भैया क्या एक्सपर्ट, अभी तो है मौत का कुआं। फाइनली हमें राजकोट के मेले में भी हमारी रेसिपी देखने वाले लोग मिल गए। आपको अच्छी लगती है ना रेसिपी? लगती है मुझे। ना नक्शो को बारी 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 कन्विंस करना पड़ता है कि ऊपर चढ़ जा ऊपर चढ़ जा। इसको डर लगता है इस झूले से, ये हवा वाला है ना, ये बस यहाँ जाके खड़ा हो जाता है, ऊपर नहीं जाता। यहाँ पे ना इस झूले पे आना अलाउड नहीं था, मैं छुपके से आके इतने नीचे बैठ गई कि किसी को पता ना चले कि मैं झूले पे हूँ। मैं एक बार नक्श को ऊपर तक लेके गई, उसको इतना मजा आया, अब वो अपने आप जा रहा है। गो 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 गो, बच्चे को एक बार मतलब थोड़ा सा मोटिवेट कर दो। भाई साहब इनके अंदर की फायर देख रहे हो? ये भी फटू पापा और नक्शु सेम 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 आइसक्रीम खिलाओगे? चोको बार, आहा, चोको स्टिक, फ्रॉस्टिक, वो वाली जो कौन वाली होती है वो? नक्शु तू कौन सी खाएगा? हाय हाय रुक गया, गई इतनी जल्दी? हाँ बोलो भाई सब 10 रुपए में तो भैया ने कम सर्विस करवाई। फिर से इनका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चालू हो गया है। गाइस आज मैंने निशान को चैलेंज दिया, अब ये चैलेंज से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। मैं नहीं ले रहा, आपको करना पड़ेगा एक चैलेंज। बचपन से कर रहा हूँ, आज तक नहीं मिला। तो बचपन से कर रहा हूँ ना, बचपन से आज तक कुछ नहीं मिला। आज मैं आपके साथ हूँ, कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा, बस कंटेंट के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। कौन से नंबर पे ये 100 नंबर? चलो भाई अब हमारा टारगेट है 100। ध्यान से डालो निकी, ध्यान से। भैया एक तो आ भी गयो, ऐसा ना करो भैया यार। जाओ 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 जाओ, गो गो गो। ओए हाय, एक तो ईयरबड तो ले लेते कम से कम 30 रुपए की। निशांत अब लास्ट है, ये लास्ट, मेरे को डर लग रहा है। अरे साहब 30 रुपए वेस्ट करके आए, शर्म ही नहीं आती इनको, इससे अच्छा एक झूला खिला देते। नो नॉट वेल प्लेड एट ऑल। अरे अरे मुंह छुपा के भाग रहे हैं ये लोग, वो मार रहे पापा, दिला देते कहीं तो दिला देते हारने का गम। ये सब कंटेंट के लिए किया गया था, मुझे पता चल गया। गाइस भाई राजकोट में जो मेले का क्रेज है ना वो आपने कहीं नहीं देखा होगा। हम लोग ओवर ब्रिज पे रुक के, फ्लाईओवर पे रुक के भी यहाँ पे दूसरा वाला मेला देख रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, सारी जनता देख रही है। देखो ये दूसरा मेला लगा हुआ है और हम लोग सारे के सारे ये फ्लाईओवर पे रुके हुए हैं हम लोग, और यहाँ से मेले के नजारे देख रहे हैं। और भाई देखो मेले में तो मम्मी हमें कुछ खाने नहीं देती है, मम्मी ने पहले ही बोला था कि अगर मेले में जा रहे हो तो वहाँ से कुछ खाना नहीं है, थोड़ा मतलब पुराने टाइप का सामान होता है। तो अभी हमने एक्टिवा रोकी है, हम लोग आइसक्रीम लेके घर जाएंगे, फिर सबके साथ खाएंगे। भाई साहब हमारा मेला तब तक पूरा नहीं होता जब तक हम आइसक्रीम ना खाएं। ले आए हो आइसक्रीम? ये क्या लेके आए हो? एक ही लेके आए, एक मम्मा के लिए तो ले आ। जो 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 एक और लेने गया मेरे लिए। तो अभी हम यहाँ अतुल आइसक्रीम से आइसक्रीम लेने वाले, फिर चलेंगे घर।